स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2022 कक्षा 12वीं गणित का पेपर। दोस्तों आपका जो गणित का पेपर होने वाला है, ठीक है, 17 जून 2022 को, दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों यदि आपको इस पेपर पर भरोसा नहीं हो तो आप केमिस्ट्री का पेपर देख सकते हो, ठीक है, वही पेपर आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस पेपर का यहाँ पर पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का, ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का यहाँ पर कोड दिया है 150। इस कोड को आपके टाइम टेबल से मिला लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जो आपका जो पेपर आने वाला है गणित का, मैथमेटिक्स का, ठीक है, ये हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, मतलब इस पेपर को हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले और यहाँ पर समय रहेगा दोस्तों 3 घंटे का, इस पेपर का यहाँ पर समय रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए, और जिस स्टूडेंट को ये फेक पेपर लग रहा है कृपया चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, आप इन निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर 7 निर्देश दिए हुए, आपको 7 ही निर्देशों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन आने वाला दोस्तों यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये पेपर आपके एग्जाम हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछे, यहाँ पर समझ लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखे। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के सही विकल्प आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, हमारा पहला दिया है। ठीक है दोस्तों, पहले में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये मैथ्स का पेपर है, इस पेपर को आप अच्छे से समझे, ठीक है, और इन्हें सही विकल्प को आप अच्छे से याद करें। ठीक है, इनके उत्तर आपको आपकी गणित की बुक या आपके पास जिस प्रकार की भी बुक है दोस्तों, उसमें इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला देख लीजिए दोस्तों, पहले में हमको क्या करना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट कर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, दूसरे में भी दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट कर लिखना है जो राइट है, जो सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा तीसरा यहाँ पर दिया दोस्तों सही विकल्प है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे सही विकल्प में दोस्तों हमको यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो 4ों ऑप्शन में से कौन सा इसका मान है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिए, चौथा सही विकल्प में क्या करना दोस्तों, हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन छाट कर लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें सही विकल्प देख लीजिए, 5वें सही विकल्प में दोस्तों हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, 4ों ऑप्शन में से हमको दोस्तों 1 ऑप्शन छाट कर लिखना है। दोस्तों हमको यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 6वां सही विकल्प देख लीजिए, 6वें सही विकल्प में क्या करना दोस्तों, 0.5x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांकों का, दोस्तों अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, 4ों ऑप्शन में से हमको 1 ऑप्शन चार्ट के लिखना है। दोस्तों इस पेपर को आप अच्छे से लगा लीजिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। दोस्तों ये पेपर आपके एग्जाम में 80 नंबर का आएगा, तो गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप 80 में से, ठीक है, 70 से लेकर दोस्तों 75 नंबर आराम से लेकर आ जाओगे। ठीक है, बट क्या करना है आपको दोस्तों, इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमको यहाँ पर दोस्तों सही विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 6, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाले, तो यहाँ पर इंग्लिश है, मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है, यह आपके एग्जाम में 7 नंबर के खाली स्थान आने वाले। दोस्तों आपको जो पेपर होना है 17 जून 2022 को, ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ दोस्तों, 17 जून 2022 को यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर 7 खाली स्थान दिए, पहला खाली स्थान, दूसरा खाली स्थान, तीसरा खाली स्थान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, तो दोस्तों इनके उत्तर आप अच्छे से लगा लीजिए आपकी बुक से और याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके एग्जाम में 7 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर दिया है, 7 हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है, सही जोड़ी मिलाकर क्या करना दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करना है, ये आपके एग्जाम में 6 नंबर की सही जोड़ी आने वाली। दोस्तों आपको YouTube पर ऐसा पेपर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो दोस्तों,
यहाँ पर क्या करना है हमको दोस्तों, सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, हमको यहाँ पर छह सही जोड़ी दी है। ठीक है यहाँ पर एक तरफ दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ इधर दिया है दोस्तों, एक तरफ इधर दिया है। ठीक है एक तरफ फर्स्ट दिया है, एक तरफ दोस्तों ए दिया है। ठीक है तो आपको दोस्तों इधर से इधर मिला लेना है। ठीक है तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है ये समाकलन और अवकलन वाले क्वेश्चन है। ठीक है तो ये सही जोड़ी अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन में भी यहाँ पर दिया दोस्तों, मेक द कॉलम। ठीक है दोस्तों ये आपकी एग्जाम में छह नंबर की सही जोड़ी आने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया हमारा क्वेश्चन नंबर चार में क्या करना है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क्या करना है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपकी एग्जाम में सात नंबर के आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों हमको यहाँ पर सात प्रश्न दिए, इनको उत्तर भी आपको आपकी बुक से लगा लेना और याद कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है और एक बुक लेकर बैठ जाइए दोस्तों गणित की, और इन क्वेश्चनों को निकालते जाइए और याद करते जाइए। उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर फोर देख लिया, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है दोस्तों, आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। दोस्तों ये इंग्लिश वर्ड में यहाँ पर दिया हुआ है, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पाँच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच में हमको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य असत्य का चयन करके लिखना है। ये आपके एग्जाम में छः नंबर का सत्य असत्य आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर छः सत्य असत्य प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है इनके उत्तर भी आपको आपकी गणित की बुक से लगा लेना और याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर दिया दोस्तों, राइट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सत्य असत्य लिखना है। ठीक है यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में छः नंबर का आने वाले। जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में मतलब इंग्लिश मीडियम में दोस्तों, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दोस्तों ये आपके एग्जाम में दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी मीडियम, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों दिया है। ठीक है यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर सिक्स को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर इसका अतो वाला क्वेश्चन भी हमको यहाँ पर दिया है। ठीक है इसका अतो वाला क्वेश्चन भी हमको यहाँ पर दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगा लेना है। सबसे पहले दोस्तों आप कॉपी पेन और आपकी बुक गणित की, उसको सामने रख कर बैठ जाइए और इन क्वेश्चनों को निकालते जाइए और उनके आंसर आपको आपकी बुक से लगा मिल जाएंगे, तो उनको लगाते जाइए। ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन देख लिए। क्वेश्चन नंबर सेवन में दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों इस पेपर को यदि आपने अच्छे से नहीं लगाया तो आप एग्जाम में फेल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गणित है दोस्तों हायर मैथमेटिक्स है। ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नाइन आपके एग्जाम में दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ठीक है यहाँ पर दोनों क्वेश्चन दिए दोस्तों, आराम से याद कर लीजिए। याद भी नहीं करना दोस्तों आपको इन प्रश्नों को, इन क्वेश्चनों को, गणित के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगाना है। ठीक है एक क्वेश्चन को कम से कम दोस्तों आप पाँच बार लगाओ। ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दसों क्वेश्चन देख लिए। दसों क्वेश्चन में दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्यारह क्वेश्चन देख लिए। ग्यारह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बारह क्वेश्चन देख लिए। बारह क्वेश्चन में दोस्तों हमको यहाँ पर मात्रक सदिश लिखे दोस्तों, इनके मात्रक सदिश लिखना है। यहाँ पर इसका अतो है क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बीच का कोण याद करना है। ठीक है आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यदि दोस्तों आप एग्जाम में सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिया, हमारे तेरह क्वेश्चन यहाँ पर दिया दोस्तों। तेरह क्वेश्चन दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन जो तेरह क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है। ठीक है यहाँ पर बीच की दूरी याद करना है, मिल बिंदु से बीच की दूरी याद करना है। ठीक है आप सभी को पता होगा दोस्तों बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, मूल बिंदु की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौदह क्वेश्चन देख लिए। चौदह क्वेश्चन में आपको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पंद्रह क्वेश्चन देख लिए। पंद्रह क्वेश्चन में दोस्तों हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों इस पेपर में टोटल तेईस क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सोलह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सोलह में हमको यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया। ये आपकी एग्जाम में तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लेना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों हमारा 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसमें आवयु ज्ञात करना है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आवयु कैसे निकाल दे, ठीक है। यहाँ पर दिया दोस्तों अलग अलग आवयु, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आवयु रहते हैं दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके नियम भी पढ़ा होगा आपने, तो आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, आपकी एग्जाम 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लिया, 18 क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए, या आपको यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया है, ये आपकी एग्जाम 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का महत्तम मान ज्ञात करो दोस्तों। महत्तम मान मतलब महत्तम दोस्तों सबसे अधिक मान है, ठीक है, तो इसका ज्ञात करना है, या फिर इसका 18 क्वेश्चन में, या क्या करना है दोस्तों, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन देख लीजिए, 19 क्वेश्चन में दोस्तों हमको यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लें, ये आपकी एग्जाम 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चन देख लिया, 20 क्वेश्चन में दोस्तों हमको यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लें, ये आपकी एग्जाम 4 नंबर का दोस्तों। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम 4 नंबर का आने वाला है, क्वेश्चन 20 से लेकर 23 तक ये आपकी एग्जाम है, ये प्रश्न आपकी एग्जाम 4-4 नंबर का आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका 18 वाला क्वेश्चन भी हमको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन देख लिए, तो 21 क्वेश्चन दोस्तों हमको यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगा लेना है आपकी कॉपी में, ठीक है, अच्छे से लगाना दोस्तों, 5-5 बार इनके आंसर को लगाना है, कैसे क्या आया दोस्तों, इनके कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। ये आपकी एग्जाम 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन देख लिए, इस गणित का हमारा जो गणित का पेपर होना है दोस्तों 17 जून 2022 को, रुक जाना है परीक्षा का दोस्तों। आपको दोनों क्वेश्चन में से क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, ठीक है, और लगा लेना है, ये आपके एग्जाम 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों यहाँ पर 23 क्वेश्चन दोस्तों। 23 क्वेश्चन में हमको यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया, आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, आपके एग्जाम 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है गणित का, मैथमेटिक्स का, ठीक है, 17 जून 2022 का दोस्तों। आपको क्या करना है, इस पेपर को अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको इस पेपर का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF फाइल का लिंक, ठीक है, उसे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ ही आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपको कोई प्रकार की समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उनका सॉल्यूशन मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा सकूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।